नेक्स्ट ये देखो, टू सेल्स हैविंग द सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो सेल है हम लोग के पास प्यारे बच्चों, और उनकी अपनी कुछ दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वन और आर टू, बराबर है। अब कहता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट होते हैं रिस्पेक्टिवली और द सर्किट इज क्लोज्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो व्हेन एक्सटर्नल सेल्स हैव आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू हैविंग सेम ईएमएफ कनेक्टेड इन सीरीज टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। पहले देखो, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इससे हमने दो सेल कनेक्ट किए हैं सीरीज में, तो दो सेल ये प्लस माइनस ईएमएफ सीरीज में, और अगर यहाँ पे दूसरा वाला जो सेल है वो भी कुछ ऐसे प्लस माइनस सीरीज में ऐसे कनेक्ट हुआ है, तो ये अगर मैं सर्किट को क्लोज करता हूँ, ये मेरा स्विच है, इमेजिन करो ये स्विच है, दिस इज द स्विच। अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूँ यहाँ पे, ये सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ, तो ईएमएफ ई है, ईएमएफ ई है, ठीक है। टू सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ हैव इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन और आर टू, अगर ये प्लस और माइनस है और ये प्लस माइनस है, अगर इसका माइनस इसके साथ प्लस कर दोगे तो जो है नेट ईएमएफ जो है, जैसे नेट ईएमएफ ई है, दोनों का ईएमएफ है, तो वो कुल मिला के नेट जीरो आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ऐसे ही कनेक्ट होगा सीरीज में, तो नेट ईएमएफ। सर्किट इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वी, दैट इज बिकेम जीरो ऑफ द फर्स्ट सेल जब सर्किट को मैं क्लोज किया हूँ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, जब सेल चार्ज होता है, जब सेल करंट देता है, तो उस वक्त जो इसके सेल के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये बिकेम जीरो, ठीक है। पढ़े होगे ना भाई, ये सेल है, ये प्लस माइनस ईएमएफ ई है, ईएमएफ ई है, और ये आर है, और ये सेल चार्जिंग में है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी, उसमें एक रिलेशन होता है कि वी इज इक्वल टू ईएमएफ ई माइनस आईआर, ये रिलेशन आप पढ़े होगे किसी सेल के लिए। तो भी अगर जीरो हो जा रहा है तो ईएमएफ ई माइनस आईआर, मतलब यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन आर। तो इतनी करंट फ्लो हो रही है जब टर्मिनल, क्योंकि जब सर्किट को क्लोज किए तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया ये वाला, और ये यहाँ से आ गया हमारा ई अपॉन आर। चलो अब नेक्स्ट इसमें लॉजिक ये लगाते हैं कि कहता है तो वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे सर्किट में अगर मैं करंट निकालूं, हाँ वी इक्वल टू आई आर पूरे सर्किट के लगा दी, पूरे सर्किट अप्लाई फॉर टोटल सर्किट, तो नेट करंट आई इक्वल टू नेट ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस नेट, ये वाली चीज। तो नेट ईएमएफ भी पूरे सर्किट का कितना हो गया बोलो, टू टाइम्स ई, भाई ये ईएमएफ ई है ही है, तो नेट ईएमएफ जब ऐसे होते हैं तो ईएमएफ ई वन प्लस ई टू होता है, और ई वन ई टू आपस में बराबर है, तो ई प्लस ई दैट इज टू टाइम्स ई, ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस ये आर वन है, ये आर टू है, और ये आर है, तो नेट रेजिस्टेंस आर प्लस आर वन प्लस आर टू, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी करेंट है, द फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकेंड इक्वेशन इज ऑल्सो करेंट एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेंट, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों करेंट का एक्सप्रेशन है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, और यहाँ से मुझे कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी इन द टर्म ऑफ स्मॉल आर वन आर टू। तो चलो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो मुझे मिलेगा इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दो, ई एम एफ ई ओवर आर दैट इज नेट ई एम एफ टू टाइम्स ई एम एफ दैट इज आर प्लस आर वन प्लस आर टू, बराबर बच्चों। ई एम एफ को ख़त्म कर दिया, ठीक है, टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर वन प्लस आर टू, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी ये फर्स्ट सेल का था ना, तो ये फर्स्ट सेल का आर वन आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट सेल दैट इज आर वन, टू आर वन माइनस आर वन और माइनस आर टू दैट इज आर वन माइनस आर टू, दैट्स वाई आर इज द पॉजिटिव रेजिस्टेंस, बिकॉज आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, दैट्स वाई
आर वन माइनस आर टू आ रहा है, ठीक है। दैट इज, इस हिसाब से हम लोगों को प्यारे बच्चों दैट इज बी ऑप्शन सही है, बराबर है।